محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. अलहमदल्लाबिलमीन वाला वसल अला नबीना मोहम्मद वाला आलिया वसाबी अजमाइन वमन तबियाद्दीन अम्माबाद मोहतरम नाज्रन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें तालीम को बहुत ज़ोर दिया गया अहमियत दी गई अल्लाह तरमाया खुलहल्लीना या आलमून व्लीन ला या आलमून वो लोग जो रखते हैं उनकी तरह नहीं जो इल्म से महरूम हैं दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क़ है ज़मीन आसमान का फ़र्क है अहले इल्म और इल्म से महरूम लोग अहले इल्म रोशनी में चल रहे हैं और जिनके पास इल्म नहीं वो अंधेरे में भटक रहे हैं और इल्म भी वो जो रोज़मर्रा जिंदगी में शर् तकों को पूरा करवा सके इसीलिए फरमा गया अला कुल्ली मुस्लिम कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे और इससे मुराद जो ज़रूरी इल्म है वो शरी इल्म है अकीदे का इल्म है जिसके ज़रिए से हमें मालूम हो कि अल्लाह की तोहद क्या है तोहद और शर्क में फ़र्क़ क्या है सुन्नत क्या है सुन्नत और बिदत के दरमियान फ़र्क क्या होता है आखिरत क्या है उसमें जवाबदेही का तस्वूर क्या है ये ईमान और अकीदे की बातें इसी तरह से रोज़मर्रा जो अमाल के मुतलक़ा अमूर हैं जैसे वज़ू करना नमाज पढ़ना ये हर मुसलमान को इसके बारे में सीखना ज़रूरी है बाकी इसके बाद आप जिस शोबे में जाना चाहें क्योंकि हर मुसलमान पर डॉक्टर बनना फ़र्ज़ नहीं है ना यह मुमकिन है और इसी तरह हर मुसलमान को इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है ना यह मुमकिन है कि हर आदमी इंजीनियर बन सके इसके अपने अपने ज़हनी और उसका बैकग्राउंड होता है किसी का ज़हनी ओख़ है और उसी के मुताबिक वो उस शुबे में तरक्की कर सकता है लेकिन दीन बुनियादी तौर पर जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है डॉक्टर हो तब भी नमाज़ फ़र्ज़ है इंजीनियर हो तब भी नमाज़ फ़र्ज है टीचर हो तब भी उसके लिए नमाज फ़र्ज है तीनों को नमाज सीखना फ़र्ज़ हो गया तो इसका माना यह हुआ कि इस्लामी बुनियादी बातों का हासिल करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी हैं ज़िंदगी गुजारने के जो मुख्तलिफ तरीक़े बताए उसको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है और इस प्रोग्राम के जरिए से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि घर घर हदीस की रोशनी से जगमगाने लगे हर भाई और बहन सुन्नत रसूल सल्ला वल्लम की शैदाई बने सुन्नत रसूल सल्हल को समझे और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करे इसके अंदर किताब गलो मराम जो है हदीस की जो मशहूर किताब है उसके मुख्तलिफ अबवाब का जिक्र करने के बाद हमने आदाब ज़िंदगी से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें इससे पहले भी बयान कि और उसके बाद कुछ और मज़ीद बातें कि रसोल्ला सल्हल किस तरीक़े से अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाया करते थे बज़ाहिर देखने में ये आम सी चीज़ें लगती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लेकिन आम और ख़ास ये नहीं है ये असल में हमें मोमिन बनाने वाली बातें हैं जिंदगी जो अगर मसनून तरीके से गुजारे वही ख़ास आदमी है वरना हमारे पास बाज़ लोगों का एक अजीब अंदाज है कि रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में पेश आने वाली चीज़ें यौमिया जिंदगी में उसमें तो वो कहते हैं कि हम बड़े अपटूडेंट हैं लिहाजा ये छोटी छोटी बातों में नहीं जाते तो फिर किस में जाते हैं बड़ी बड़ी हाई पैमाने की बातों में यानी रोज़मर्रा हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर करते कभी कभी करते हैं और वो कभी कभी भी अगर कभी ज़रूरत पेश आ गई तो वरना सुन्नत के मुताबिक हम चलने के लिए तैयार ही नहीं ये ऐसी शैतानी बातें हैं वरना असल तरीक़ा ये है कि रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में खुद इस्लाम पर अमल करें अपने बच्चों से इस्लाम पर अमल करवाएं फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए जितना अल्लाह ताला ने तौफीक दिया कदम आगे बढ़ाते जाइए आगे बढ़ाते जाइए पहले आप फाउंडेशन फिर दीवारें पिलर्स और उसके बाद में फिर रंग रोगन फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर बना लें छत बना लें यह हो सकता है लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं छत पहले तामीर करूँगा ये छत बनेगी नहीं कभी आप ना पिलर बना रहे हैं ना फाउंडेशन का ख़्याल है तो छत कहाँ से ला कर बनाएँगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के आदाब हैं गुल मराम और हदीस की मुख्तल किताबों में उसको जमा कर दिया गया है हम तरतीब से इसको आपके सामने जो पेश करें ताकि हर आदमी के लिए बेहतर तरीक़े से अमल करने में सहूलत हो सके गुज्त हमने बात की थी खाने पीने और इसी तरह से दीगर ज़रूरिया की चीज़ों में फजूल खर्ची को इस्लाम ने मना किया है जितनी ज़रूरत है उसी के मुताबिक बनाइए खाइए और उसी लिमिट के अंदर ना उसमें दिखावा हो ना उसमें इसराफ हो लेकिन इसमें भी बहुत ही तकलीफ दह चीज़ बाज़ हमारे बहुत से भाई जो अरब मुमालिक में भी देखते हैं उनके लिए भी कि किमतौर पर दावतों के बाद कई कई देख फेंके जाते हैं बाज जगहों पर खोले बगैर ज़ाये कर दिए जाते हैं हालांकि उसमें बहुत एक्सपेंसिव किस्म का खाना बनाया जाता है अनवा व अकसाम की डिशें होती हैं आपको जब मालूम है कि आपके मदुबीन की तादाद सौ है तो आप उसी हिसाब से खाना तैयार कीजिए ये नहीं कि सौ को बुलाएं और पाँच सौ का करें बाकी चार सौ का ज़ाय कर दिया जाए ऐसे ही बास घरानों में देखा गया कि रोज़ाना फजूल खाना वेस्ट किया जाता है और आपको मालूम है कि इसी दुनिया में कितने लोग रहते हैं जिनके पास एक एक दिन गुजर जाता है खाने पीने के लिए एक लुमा तक मैसर नहीं आता अगर आप जो रोज़ाना वेस्ट करके अपना खाना वेस्ट करके ज़ाय करके फजूल फेंक रहे हैं न जाने अगर वही खाने की आप हिफाजत कर लें कितने लोगों का पेट भर जाए ये सिर्फ सोचने की बात है और ख़ास तौर पर हम गुजारिश करेंगे अपने मगरबी दुनिया में प्रोग्राम देखने वाले मोजीन की के एक अजीब सा तस्वूर है खाने को ज़ाय करने खाने को फेंकने का कि दोपहर हो गई अब शाम में वो खाना नहीं खाएँगे चाहे वो सालन कितना ही दुरुस्त हो खाना कितना ही बेहतर हालत में हो नहीं खाएंगे क्योंकि अब टाइम बदल गया खत्म गया, खत्म इसको फेंक दिया जाए और इसी तरह से सुबह नाश्ता हो गया तो अब दोपहर में उसको टच नहीं किया जाएगा गोया आयब लग गया उसको यह अंदाज फिक्र दुरुस्त नहीं आप अगर हर वक्त का खाना अलग अलग बनाना चाहें मना नहीं है हम ये कह रहे हैं कि जितनी जरूरत है उसके अंदर ही रहिए और जो आपके पास फजूल का तस्वूर है करने करने का जो तस्वूर है वो गैर इस्लामी तस्वूर है गैर मसनून आदत है ये जो गैर मसनून तस्वूर है इसको बदलने की हम तरगीब दिला रहे हैं अगर अल्लाह ने आपको तोफी दी है तो आप कोशिश करें कि महीना आपके अपने खर्च में कोई दो आदमी या चार आदमी दो खानदान चार खानदान उनकी कफालत कर लें आप ताकि उनका स्वाब भी आपको पूरा पूरा मिले और फजूल जय करने के बजाय उन लोगों का कोई भला हो सके ऐसे ही लिबास का मसला भी है कि उसके अंदर फजूलियात को इसराफ को इस्लाम ने पसंद नहीं किया और इसमें इंतहाई दर्जे की कंजूसी इसको भी इस्लाम ने पसंद नहीं किया आपका लिबास जिसको हम कहते हैं रीज़नेबल मुनासिब होना चाहिए ख़ास तौर पर साफ़ सुथरा लिबास हो चाहे वो ऑर्डिनरी लिबास पहने साफ सुथरा पहने और ऐसे ही खाने पीने का अंदाज़ भी है कि उसके अंदर ना कंजूसी अच्छी है ना उसके अंदर इसराफ पसंद किया गया इतदाल का रास्ता हमेशा ये ज़्यादा मुनासिब होता है इसलिए एक और बात जो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत अताब फरमाए और उसकी उम्र में बरकत अताब फरमाए तो उसको क्या करना चाहिए नबवी नुस्खा नबी करीम सदायत दी कि जिसके ज़रिए से आदमी अपनी उम्र और अपनी रोज़ी में इजाफ़ा कर सकता है तो उसका तरीक़ा जैसे बाज़ लोग आजकल कर ये करते हैं उम्र में इजाफे के लिए हमारी दवा ले लें उम्र में इजाफे के लिए कोई कहता है हमारी तावीज़ ले लें और ये इसमें बरकत के लिए वो किस्म के लोग नक्श लगाए रखते हैं अपनी दुकानों में अपने कारोबारी इदारों में और समझते हैं कि इस तरह जो तुगड़े लगाए रखते हैं इसकी वजह से रोज़ी में बरकत होगी रोज़ी में बरकत किस में होगी जो नबी सल्हलम ने तरीक़ा बताया उसमें करने का वरना रोजी में उसमें क्या बरकत होगी वो तो जो सेल करने वाला है फरोख्त करने वाला है उसको बेनिफिट जाएगा उस आपको क्या बरकत होगी उसकी बरकत जो आदमी खुद अमल करे उसके लिए है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहनुमाई की मन अहबुप लहू फी रि ही कोई आदमी चाहता है कि उसकी रोजी में बरकत हो कुछ हो इसी तरह उसकी उम्र में अल्लाह अता फरमाए तो क्या करना चाहिए उसको सिले रहमी करना चाहिए सिले रहमी की वजह से यानि रिश्तेदारों के हकूक़ को पहचानने उसको अदा करने की वजह से अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत अता फरमाएंगे अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अताब फरमाएँगे ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई दी जा रही है कि अगर चाहते हैं कि सेहत अच्छी रहे चाहते हैं कि रोज़ी में बरकत आए चाहते हैं कि उम्र अच्छी रहे तो उसके लिए अपने रिश्तेदारों के हकूक़ को पहचानिए उनके साथ सिले रहमी कीजिए ये कटना तोड़ना टूटना ये चीज़ें बहुत आसान हैं ये शैतानी हथकंडे हैं ताकि आपकी उम्र घटे आपकी रोज़ी में बरकत उड़ जाए लेकिन जुड़ने की कोशिश कीजिए मिलने की कोशिश कीजिए ताकि उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सके हम कबल इसके कि आगे जिक्र करें मजीद आदाब का यहाँ हम रुकते हैं पिछला हमारा जो दर्स हुआ था उस बारे में आपसे कुछ बातें हम कर लें तो पहली जो चीज़ गुजरी थी छींकने के बारे में क्योंकि देखा गया बहुत से हमारे माशा मोजीन कभी छींक आती है तो उनको मालूम नहीं क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए अगर कोई आप में से अगर बता दे माशा आप बताएंगे वालेकुम वाले जो छींकता है उसे कहना चाहिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन ले उसको जवाब क्या देना चाहिए सुनने वाले को यहमोक बोलना चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब यमु कल्ला तो यमु कल्ला आपने सुन लिया तो फिर आपको क्या कहना है यह वयुसलहु बाल माशाला यहदीक वयसलह बालकुम गोया अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा सुनने वाले ने जवाब दिया यहामु कल्ला और यहमु कल्ला का जवाब सुनकर तो व वयसलह बालकुम ये सबको याद भी होना चाहिए और इसके बारे में आप पढ़ते भी रहें ताकि उसका फ़ायदा ज़्यादा हो सके आगे देखिए इस सिलसिले में कुछ और बातें जो हम पेश करना चाहते हैं एक बात जो सिले रहमी के बारे में बताई गई और सलूक के बारे में बताई गई वो बहुत ही अहम है और वो घर घर का मसला भी है और वो क्या है वालदे के हकूक़ के सिले रहमी अच्छा सलूक मुनासिब बर्ताव उसके लिए सबसे ज़्यादा हक़ किसका है माँ बाप का सबसे ज़्यादा हक़ आपके पेरेंट्स का है आप कोशिश करें कि अपने वालिदैन के लिए सरापा रहमत बन जाएं और ये यकीन करें कि वालिदैन हमारे लिए जन्नत में ले जाने का ज़रिया है अगर हम उनकी फरमा करें इताद गुजारी करें उनकी दुआएं लें वरना वही जहन्नम में ले जाने का सबब भी बन सकते हैं अल्लाह ताला महफूज रखे अगर कोई उनकी नाफ़रमानी कर रहा है उनको अपने लिए बर्डन और बोझ समझ रहा है तो गोया वो अपने लिए जहन्नम का रास्ता तैयार कर रहा है कैसे इसको हम इंशाल्लाह एक मुख्तसर ब्रेक के बाद बताएंगे। मुँद, नाजरीन वक्फ़े से पहले हम बता रहे थे कि किसन सुलूक और सिले रहमी इसकी बड़ी अहमियत बताई गई है और अहादीस में इसका बहुत शिद्दत के साथ ज़िक्र किया गया और याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात कोई हिदायत हमत और मसलहत से खाली नहीं और किसी हुक्म पर अमल करने में हमारे लिए सवाब ही सवाब है दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत में भी नजात यानि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़राम और आपकी सुन्नतों पर अमल करने का फ़ायदा दुनिया में भी है और आखिरत में भी है ये नहीं है कि दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं बहुत फ़ायदा है और आखिरत में भी बहुत फ़ायदा है सिले रहमी के बारे में जो बात बताई गई उसका हमने जैसे जिक्र किया लाइत खुलन्न का रहीम के नबी करीम वसल्लम ने फरमाया जन्नत में वो आदमी दाखिल नहीं हो सकता जो रिश्तों को काटता है तोड़ता है सिले रहमी नहीं करता जैसे आमतौर पर देखा गया करीबी रिश्तेदार कटे हुए हैं दूसरों से बात करना नहीं जानते बात करना नहीं चाहते मुलाकात करना नहीं चाहते कटे हुए हैं तो ये इस्लाम के अंदर सख्त नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाते और फिर सिले रहमी अगर मैं करना चाहूँगा तो सबसे पहले माँ बाप और माँ बाप में भी माँ का मुक़ाम इसीलिए फ़रमाया गया नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस इन अल्लाह हर रमा आलई को अल्लाह ने माँ की नाफ़रमानी को हराम करार दिया है हराम कोई मामूली चीज़ नहीं है हराम है वालिदैन की नाफरमानी करना बिलखसूस वालदा का दिल दुखाना कुरान करीम में जो हुक्म दिया गया ज़रा उस पर आप गौर करें सूरे इस की आयत नंबर तेईस सूरे लुकमान, सुर अका मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ उसी हुक्म को दोहराया गया वजा रब्बू काल्ला तब्दुल्लाह का फैसला है कि सिर्फ उसी की बंदगी की जाएगी अकीदा इबादत उसके बाद दूसरा जो मसला है वह बिल वाली एहसाना मखलूक में सबसे बड़ा दर्जा किसका है सबसे पहले जिक्र किया गया का कि तुम उनके साथ हुसन सलूक करो अच्छे से अच्छा बर्ताव करो बेहतर से बेहतर मामला करो इमा यबल गन्दल किबर अहद हम और हम फलातुल्ल हम उला तनहर हम कि अगर वो बूढ़े हो गए चाहे दोनों या एक बाप का इंतकाल हो गया माँ जिंदा है या माँ का इंतकाल हो गया बाप जिंदा है बुढ़ापे की वजह से कभी मुमकिन है कि तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाए होता है कभी कमज़ोरी हो जाती है बीमारियां हो जाती हैं तो इसलिए बुढ़ापे की वजह से आदमी कुछ बातें ज़्यादा भी कर सकता है तो ऐसी सूरत में क्या करो तुम एक अगर वो बड़ा कोई बोल बोलें तो आप दो बोल सुना दो अपनी वालदा को या कुछ नाराज़गी का इजहार करें आप कहें जाओ दफ़ा हो जाओ निकलो घर के बाहर नहीं उसमें हुक्म कुरान का हुक्म है उसमें हुक्म यह दिया जा रहा है कि उफ तक करने की इजाज़त नहीं है और झिड़कने की इजाज़त नहीं है तुम्हें उनको और वक्फ लहुमा जना हजिन्रहमा अपने आप को उनके आगे बिछा दो यानी वालिदैन का मुकाम इतना ऊँचा कि बिछा दो अपने आप को उनके आगे यह है वालिदैन के सिलसिले में हमारी जिम्मेदारियाँ औलाद की कि औलाद माँ बाप को किस तरह से देखे तो वालिदा वो हमारे लिए जन्नत में ले जाने का ज़रिया है उसकी इतात करके उसकी फरमा बरदारी करके यानी उसकी खिदमत करके ख़दमों के नीचे उसकी जन्नत का मतलब उसकी खिदमत करके उसकी इतात और फरमाबरदारी करके जन्नत हासिल कर सकते हैं गोया अल्लाह ताला ने एक हमें मौका दिया है बूढ़े माँ बाप अगर मिले हैं तो गोया हमें मौका मिला है जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया गया अब अगर नादान है वो आदमी जो खुले हुए दरवाजे को ख़ुद से बंद करें अब यहाँ बड़े बड़े शहरों में तहजीब क्या चल पड़ी है ये भी आमतौर पर अजीब सी तहजीब है ओल्ड पीपल हाउस हॉस्टल वहां पर कौन रखे जाते हैं माँ या बाप बूढ़े हो गए औलाद कहती है बर्डन है यह बूढ़े घर में बैठे हुए हमेशा बोझ हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं बातें करते रहते हैं निकालो इनको पांच बच्चे हैं पांचों मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते पांच बच्चे हैं एक माँ को नहीं पाल सकते वो कहता है उधर जाओ वो कहता है उधर जाओ वो कहता है उसके पास जाओ मैं क्यों पालू मैं अकेला बेटा थोड़ी हूँ और चार क्यों नहीं तुम्हारी लुक आफ्टर करते यानी एक माह को चार मिलकर नहीं पाल सकते पांच मिलकर नहीं पाल सकते और फिर कभी कभी ऐसे होता है कि बेचारी दर बदर की ठोकरें खाती है जीते जी उसको मरना पड़ता है हैं सब औलाद उनके अपने घर बार सब कुछ है मगर बूढ़ी वालदा को अपने लिए बोझ समझ रहे हैं घर में जगा देने के लिए तैयार नहीं है घर में रखने के लिए तैयार नहीं है खिदमत तो खिदमत हुई और उसके बाद फिर यही नतीजा होता है कि उनको भेज दो हॉस्टल में ओल्ड पीपल हाउस में और बाज़ लोग ये समझते हैं आपने देखा होगा मगरबी दुनिया की एक तहजीब जो मशरक़ी दुनिया के अंदर भी उसके जरासीम तेज़ी से फैलते जा रहे हैं इस वक्त और वो क्या हैं वही ओल्ड पीपल हाउस बूढ़ों के रखने की जगह वो यहाँ पर भी बनाई जा रही है बहुत से मशरक़ी अंदर अफसोस की बात है बूढ़े वालदेन का मुकाम इतना आला और इतना ऊंचा है मगर हम उसको इतना बोझ समझते हैं खुद खिदमत नहीं करेंगे लिहाजा वहाँ ले जा कर डाल दें चलो गवर्नमेंट कोई अपना उनका देखभाल कर ले कुछ खाना पीना दे दे बस ठीक है ये वहाँ पड़े रहें जब तक जिंदगी है देखने की कोशिश नहीं करेंगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे एक और ट्रेन जो चल पड़ा मदर्स डे आपने सुना है ना मदर्स डे तो मदर्स डे क्या है साल में एक दिन आता है माँ का दिन माँ का दिन क्या होता है ये भी देखें कल्चर कैसे कौन सा कल्चर हम ले रहे हैं ज़रा उसको भी समझिए मदर्स डे ये है कि वह मदर्स डे के मौके पर बहुत से बड़े शहरों में इंडिया के बंगलादेश पाकिस्तान बहुत से शहरों में कार्ड भी छपने लगे आजकल बड़े खूबसूरत से कार्ड अब वो क्या है जैसे ईद कार्ड है इसी तरह मदर्स कार्ड तो उसके अंदर बेटे असल में ये मग़रबी दुनिया की तहजीब की देन है कि वहाँ पर बूढ़ी वालदा को घर में रखना मुसीबत समझा जाता है अक्सर इल्ला माशा तो उसके लिए ओल्ड पीपल वही बूढ़े को रखने के लिए जो जगह हॉस्टल्स हैं वहाँ रहो हुकूमत तुम्हारी निगरानी करेगी खिलाने पिलाने उठाने बिठाने की और उसके बाद हम कभी कभी आकर देख लेंगे अब उसमें ये निकाला गया साल में एक बार माँ को ज़रा छुट्टी देनी चाहिए ताकि किचन का ज़्यादा काम ना करे घर का ना करे या अगर वो बूढ़े खाने में रहती है तो कभी कभी औलाद वहाँ पर चली जाए तो उस दिन मदर्स डे के दिन खूबसूरत सा एक कार्ड ख़रीद कर या फूलों का कोई गिफ्ट बंद जो है बतौर तोहफे के भेजते हैं वो भी भेजते हैं जाते नहीं हैं और वो भेजते ये कह के हैं कि अम्मा जान मैं ज़िंदा हूँ अभी तो अम्मा खुश है वो कार्ड देख कर के मेरे बेटे ने साल में एक बार तो मुझे कार्ड भेजा है ये है तहजीब और इसको हम अपने गले से लगा रहे हैं यहाँ पर और इस तहजीब को हम अपनाना चाहते हैं हम कहते हैं इस्लामी तालीमात को कोई समझे तो साल में एक बार मदर्स डे नहीं होता रोजाना उसके लिए मदर्स डे है हर दिन क्योंकि जन्नत का जरिया है वो तो हर दिन मुझे जन्नत की जरूरत है तो मैं साल का इंतजार करूंगा मदर्स डे तो रोजाना चाहिए कि माँ की दुआएं लू माँ की खिदमत करूं माँ के साथ बैठू माँ के साथ गुफ्तु करूं तो मैं अपनी जन्नत बनाऊं तो ये तो मेरे लिए रोजाना की जन्नत है तो मैं साल तक थोड़ी इंतजार करूंगा इसलिए वो लोग जिनको बूढ़े वालदे मिले समझिए वो खुशनसीब हैं क्योंकि जन्नत अल्लाह ताला ने घर में रखी और जैसे कहा गया कि वो लोग जो माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाने के बावजूद जन्नत में जगह ना बना सकें महरूम किस्म के लोग हैं वो अल्लाह ने जन्नत का टिकट गोया घर में भेजा हमने उसको फाड़ कर फेंक दिया दरवाज़ा खोला गया जन्नत का हमने अपनी कुत से उसको बंद किया अल्लाह ताला ने क्या किया है नबी वसल्लम ने फरमायाकुम अलैकुम अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया माँ की नाफ़रमानी ना करो इसलिए कि ये हराम है और तिरमिज़ी की एक रिवायत जिसमें कहा गया रिजल्ल्ला फ़ी रिजल व वालदेन व सख्तल्ला फ़ी सख्त व व्दीन क्या तसी बंदे से राजी होता है जिसके वालदेन उससे राज़ी हों पेरेंट्स राज़ी हों और अगर वो राज़ी ना हों तो अल्लाह भी राज़ी नहीं है हती कि मैदान जिहाद के लिए जाने वाले सहाबी को नबी सल्ला वसलम ने पूछा माँ बाप हैं कहा हैं कहा फफी ही माँ फ़ाहिद जाओ उनके साथ जिहाद करो यानि उनकी खिदमत करो ये जिहाद के बराबर है तुम्हारे लिए यानि मैदान जिहाद के लिए निकलने वाले को आपने कहा कि माँ बाप की खिदमत करो ये जिहाद के बराबर है कितना ऊँचा मुकाम हुआ माँ बाप का और हमारा आजकल जो कल्चर बनता जा रहा है क्या वो सुन्नत के मुताबिक होगा ये हर आदमी को समझना चाहिए यहाँ हम एक वक्फ़ा करते हैं ताकि अगर आपके कोई सवालात हों तो पहले उसको हल कर लिया जाए इन श्रह त अल्लाह शेख वालेक मेरा सवाल खाने के आदाब से मुतालिक था कि अगर खाना खा रहे हैं तो दस्तरखान पर अगर लुकमा गिर गया तो उसे उठाकर खा सकते हैं अगर चावल का दाना गिर गया तो भी उठाए खा सकते हैं क्या हाँ अगर दस्तरखान पे आप खाना खा रहे हैं कोई चीज़ गिर गई तो सही तरीक़ा तो यह है कि उसको उठाकर अगर वो साफ़ है कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो डस्ट वगैरह तो आप खा सकते हैं उसको लेकिन अगर नीचे कोई चीज़ सही माक़ूल चीज़ बिछी हुई नहीं है और ऐसी चीज़ वो उसके अंदर दस्त वगैरह लग गई कोई ऐसी चीज़ है तो उसको छोड़ दें लेकिन अगर साफ़ कर सकते हैं तो फिर वो साफ़ करके खा लें इसमें कोई हिकारत की बात नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ टाइम हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा लेक्चर में बाकी बातों को कवर किया जाए इंतज़ार कीजिए हमारे आइंदा प्रोग्राम का असलकुम वरह वक्त خير الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعه